हेलो एंड वेलकम टू द समरी पार्ट ऑफ द ट्यूटोरियल सीरीज नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं। 1914 और 18 के बीच में जो विश्व युद्ध हुआ था प्रथम, उसका भारतीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? वो ये कि वॉर एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए टैक्सेस बढ़ा दिए गए, कस्टम ड्यूटीज इंट्रोड्यूस की गई, खाद्यान्नों की कमी, अकाल और खाद्यान्नों की कमी की वजह से जो प्राइसेस बढ़ रही थी उससे लोगों में कठिनाइयाँ, गरीबी, और इन सब के साथ साथ एक और मुसीबत थी, वो थी फोर्स्ड रिक्रूटमेंट की आर्मी में, और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी फैल गया था जिससे लगभग 12 से 13 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। और 1915 में गांधी जी का आगमन हुआ और उसके बाद सत्याग्रह आंदोलनों की शुरुआत होती है। गांधी जी का सत्याग्रह क्या था? गांधी जी का सत्याग्रह ये था कि एक पैसिव रेजिस्टेंस है, मीन्स हम आक्रामक न होकर सहन करके विरोध जताते हैं, नॉन वायलेंस और ट्रुथ इसका हिस्सा है, और इसे वो एक आत्मिक बल की संज्ञा देते थे और अपने दुश्मन या प्रतिद्वंदी को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाने की बात करते थे। कोई बदले की भावना सत्याग्रह में निहित नहीं होती, बल्कि हम सत्य को समझाने की कोशिश करते हैं अपने विरोधी को, और अंत में सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी ने शुरू में 3 आंदोलन किए, चंपारण सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने चंपारण में जो इंडिगो प्लांटेशन खेती होती थी उससे जो किसान त्रस्त थे उससे उन्होंने मुक्ति दिलाई, गुजरात में खेड़ा में प्लेग फैलने की वजह से परेशानियां बढ़ी हुई थी किसानों की, तो वो रेवेन्यू में रिमिशन की मांग कर रहे थे कि उन्हें इससे छूट दी जाए, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी। वहां पे गांधी जी ने उनकी प्रॉब्लम्स को सुलझाया। अहमदाबाद मिल वर्कर्स की प्रॉब्लम थी और कुछ पे हाइक की बात थी जिसे मिल ओनर्स मानने को तैयार नहीं थे, वहां पर गांधी जी ने उनकी समस्याओं को सुलझाया। रॉलट एक्ट, ये सर सिडनी रॉलेट के नाम पर रखा गया इसका नाम। इसमें सरकार को बहुत सी कोर्सिव पावर्स दे दी गई कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे बिना मुकदमा चलाए, प्रेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते थे, लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा सकते थे, वो सब एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज के नाम पर हो सकता था। इसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता था, काला कानून। लोगों ने इसका विरोध किया, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की जिसे रॉलट सत्याग्रह कहा जाता है। ये पहला नेशन वाइड आंदोलन था गांधी जी के नेतृत्व में। 6 अप्रैल को हड़ताल बुलाई गई, रैलीज ऑर्गेनाइज की गई डिफरेंट सिटीज में, वर्कर्स हड़ताल पे रहे, रेलवे वर्कशॉप बंद रहीं, दुकानें बंद रहीं, लेकिन सरकार ने दमन चक्र चलाते हुए लोकल लीडर्स को गिरफ्तार करना शुरू किया, अमृतसर से एक एक करके। खासकर गांधी जी स्वयं भी 7 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिए गए। 10 अप्रैल को एक पीसफुल प्रोसेशन, मींस लोग शांति जुलूस निकाल रहे थे, वहां पर पुलिस ने उन्हें उकसाया और बेकाबू होकर भीड़ ने बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस और रेलवे स्टेशन पर हमला बोल दिया। सरकार को मौका मिल गया, उसने मार्शल लॉ लागू कर दिया और जनरल डायर के हाथ में कमान दे दी गई। और फिर हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को भीड़ इकट्ठा हुई थी एक ऐसे कंपाउंड में जो कि चारों तरफ से बंद था और एक ही गेट था एंट्रेंस का भी और एक्सिट का भी, बैसाखी सेलिब्रेशन को मनाने के लिए, और साथ ही साथ रॉलट सत्याग्रह चली रहा था और लाला लाजपत राय सैफुद्दीन किचली को गिरफ्तार भी किया गया था, तो उसका सबका विरोध करने के लिए भी ये लोग इकट्ठा हुए थे। जनरल डायर को जब पता चला तो वो अपनी फोर्स के साथ वहां पहुंचा, उसने एंट्रेंस को क्लोज किया और निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। औरतें, बच्चे, बूढ़े जो भी इकट्ठा थे उनमें से काफी लोग मारे गए और आज भी गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं दीवालों पर। इस घटना का बहुत विरोध हुआ, जनता आक्रामक हो गई, हड़तालें हुई, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करना शुरू कर दिया पब्लिक ने, और सरकार को फिर मौका मिल गया। एंड इट रिजॉर्टेड टू ब्रूचुअल सप्रेशन ऑफ द मूवमेंट, तो टॉर्चर करना, यातनाएं देना और सत्याग्रहियों का अपमान करना, ये सारे कृत्य उन्होंने किए। गांधी जी को मजबूर होकर फिर आंदोलन वापस लेना पड़ा और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो गवर्नमेंट एट्रोसिटीज थी और जलियांवाला बाग इंसिडेंट के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। किसी भी टॉपिक के डिटेल्स के लिए आप जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं इस ट्यूटोरियल सीरीज के उनको देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट्स का लिंक दिया हुआ है। खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की की हार हो गई थी जो कि एक्सिस पावर की तरफ से लड़ रहा था, और ऐसी रूमर फैल गई कि ब्रिटेन एक बहुत ही हार्श ट्रीटी के माध्यम से टर्की को डिसमेंबर करने जा रहा है, मींस उसको डिवाइड करना, उसके टुकड़े करने जा रहे हैं। ऑटोमन एम्पायर का जो सुल्तान होता था उसे खलीफा भी कहा जाता था। ऑटोमन एम्पायर कभी बहुत बड़ा था, वो सिकुड़कर आज टर्की के नाम से जाना जाता है, और खलीफा का पद पूरे मुस्लिम जगत के लिए एक इस्लामिक स्पिरिचुअल पद था, बहुत सम्मान था मुस्लिमों में खलीफा का, तो ये पद समाप्त कर दिया जाएगा, इसकी चर्चाएं जोरों पर थी। और मुस्लिम्स ने इंडिया में भी खलीफा के जो टेम्पोरल पावर्स उनको डिफेंड करने के लिए आंदोलन चलाने की सोची, ये मांग करते हुए कि इसे इंटैक्ट रखा जाए, कोई छेड़छाड़ ना की जाए इस व्यवस्था से, और खिलाफत कमेटी का गठन हुआ मार्च 1919 में,
अली ब्रदर्स इसके फाउंडर्स थे, शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खान, इन सब की, हसरत मोहानी, इन सब की भी भूमिका थी। गांधी जी ने इस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि बहुत ही सुनहरा मौका है जिसमें हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एंड कैन ब्रिंग हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। हालांकि आंदोलन रिलीजन बेस्ड था लेकिन गांधी जी ने सपोर्ट किया। और कलकत्ता सेशन पे जो कि 1920 में हुआ था, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में खिलाफत के इशू को भी शामिल करने की मांग की और खिलाफत और स्वराज दोनों पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने की बात कही। तो आइए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टडी करते हैं, उसकी वजह क्या थी। तो हम पढ़ चुके हैं कि रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट और खिलाफत इशू, ये सब पर्याप्त थे एक बड़ा आंदोलन चलाने के लिए। और 1920 में ही दिसंबर में नागपुर में कांग्रेस का सेशन हुआ, जो कलकत्ता सेशन था वो एक स्पेशल सेशन था। तो इसमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्टेजेस क्या थी, तो ये था कि पहले स्टेज में जो भी टाइटल्स और अवार्ड्स मिले हुए हैं उनको वापस किया जाएगा। सेकेंड स्टेज में बायकॉट शुरू होगा, मीन्स बहिष्कार किया जाएगा सिविल सर्विसेज का, आर्मी में, पुलिस में, कोर्ट्स में, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करना, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, सबसे दूरियां बना ली जाएंगी, इनका बहिष्कार किया जाएगा। और थर्ड स्टेज में अगर गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर्स यूज़ करती है आंदोलन को कुचलने के लिए तो इसे पूरी तरह से फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन में बदल दिया जाएगा। इस आंदोलन का आर्थिक प्रभाव क्या था, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये था कि लोगों ने फॉरेन गुड्स का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती थी, जो लीकर शॉप्स थी, शराब की दुकानें थी, उनकी पिकेटिंग होती थी। ट्रेडर्स ने भी योगदान दिया कि हम फॉरेन गुड्स में कोई व्यापार नहीं करेंगे। और विकल्प के रूप में भारतीय जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी उनकी मांग बढ़ गई, तो उनका प्रोडक्शन बढ़ गया और लोगों ने हैंडलूम्स लगाकर कपड़े बनाने शुरू कर दिए। तो इट वॉज गुड फॉर इंडिया। लेकिन ये मूवमेंट उस रफ्तार से बराबर नहीं चल सका। तो व्हाट वर द कॉजेज ऑफ स्लोइंग डाउन, तो गरीब लोग खादी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि वो मशीन से बने कपड़े जो आयात होके आते थे इंग्लैंड से, उससे महंगे थे। और इंडियन इंस्टीट्यूशंस विकल्प के रूप में काफी कम थे। और फिर धीरे धीरे लोगों ने अपने पुराने वर्किंग प्लेस पर लौटना शुरू कर दिया, स्कूलों में, कोर्ट्स में वकील लौटने लग गए, आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। तो आंदोलन वापस तो लिया गया लेकिन कालिंग ऑफ मूवमेंट्स की वजह क्या थी कि ये वायलेंट होता चला जा रहा था, मीन्स लोग काबू से बाहर हो रहे थे। और चौरी चौरा में घटना घटी जो कि गोरखपुर में है, पुलिस थाने में लोगों ने आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। गांधी जी ने सोचा कि सत्याग्रह अभी पूरी तरह ट्रेंड नहीं है नॉन वायलेंस मूवमेंट के लिए, लेकिन इमीडिएट कॉज यही था, चौरी चौरा इंसिडेंट। 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटी थी और 12 फरवरी को गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। ये आंदोलन किस प्रकार से फैला चारों तरफ, आइए इसे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले टाउन्स, मिडिल क्लास ने लीड किया यहाँ पे आंदोलन को, ब्रिटिश स्कूल्स, कोर्ट्स, इन सब का बहिष्कार किया गया। और कांग्रेस ने काउंसिल इलेक्शंस का भी बहिष्कार किया, पार्टिसिपेट नहीं किया। यहाँ पर आपको याद होगा कि हमने बताया था कि जस्टिस पार्टी ने इस काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया था, उसका कारण क्या था, यू गो एंड वॉच द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ दिस ट्यूटोरियल सीरीज। अवध पिजन मूवमेंट भी काफी फेमस था, यहाँ पर बाबा रामचंद्र का जिक्र करना जरूरी है जो कि फिजी रिटर्न थे, उन्होंने लीड किया। जवाहरलाल नेहरू ने भी अवध किसान सभाओं का आयोजन किया और जो पीजेंट्स थे वो परेशान थे, हाई रेंट से परेशान थे, टेनेंसी सिक्योर नहीं थी, बेगारी करनी पड़ती थी। ट्रेबल पीपल ने भी रिवोल्ट किया आंध्र प्रदेश की गुडेम हिल्स में और जो ब्रिटिश फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसका विरोध करते हुए, क्योंकि उनका पारंपरिक जीवन इससे प्रभावित हो रहा था और उनकी जीविका प्रभावित हो रही थी, लाइवलीहुड। एलूरी सीताराम राजू इनके लीडर थे, लोग उन्हें ईश्वर का अवतार समझते थे और ये मानते थे कि उनके पास स्पेशल पावर्स हैं, वो लोगों को हील कर सकते हैं, भविष्यवाणियां कर सकते हैं और यहाँ तक कि गोलियां भी झेल सकते हैं, उनका कुछ नहीं होगा। और अलूरी सीताराम राजू ने भी लोगों को बुरी आदतों से दूर रहने की शिक्षा दी, शराब ना पी जाए, जुआ ना खेला जाए आदि आदि। और गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, ही वॉज इंस्पायर्ड बाई गांधी जी, लेकिन वो डिफर करते थे इस मामले में कि वो वायलेंस को भी सपोर्ट करते थे कि अगर इंडिया को फ्री करना है तो हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। तो गुरिल्ला वारफेयर का सहारा लेके उनके जो अनुयायी थे वो हमला करते थे ब्रिटिश फोर्सेस पे और अंत में अलूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया गया और 1924 में उन्हें एक्सिक्यूट कर दिया गया। प्लांटेशन वर्कर्स जो असम में काम करते थे उनका क्या हाल था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत ये वर्कर्स अपने कैंपस से बिना इजाजत के जा नहीं सकते थे, टी गार्डन कैंपस से, और वो इजाजत उन्हें कभी कभार ही मिलती थी। तो ये जो आंदोलन चल रहा था इसमें स्वराज की डिफरेंट डिफरेंट अवधारणा थी लोगों के पास थी, समझते थे कि इस आंदोलन का मतलब है राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट।
तो बिना अधिकारियों से पूछे हुए उनकी अवज्ञा करते हुए ये लोग कैंपस से रवाना हो गए अपने घर के लिए, लेकिन वो घर नहीं पहुंच सके क्योंकि हड़ताल वगैरह चल रही थी आंदोलन की वजह से, स्ट्राइक्स थी रेलवेज में और स्टीमर्स में काम करने वाले लोगों की, तो ये पकड़ लिए गए एंड दे ऑल वर ब्रूटली बीटन अप। सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद लोग उकता गए थे और काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जिसके लिए स्वराज पार्टी का गठन किया गया 1923 में। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास ने इसका गठन किया प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, कि काउंसिल में रहकर हम सुधारों की मांग करेंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन का क्या असर पड़ा, प्राइसेस गिर रही थी, करेंसीज का डिवेल्युएशन हो रहा था, जिसकी वजह से पीजेंट्स की अर्निंग काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी क्योंकि उनके प्रोडक्शंस की डिमांड काफ़ी लो थी। और इसी बीच साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन 1927 में स्थापित किया गया था और 1928 में भारत आया। ये एक स्टेट्यूटरी कमीशन था सर जॉन साइमन के नेतृत्व में और ये 7 मेंबर बॉडी था कमीशन, जिसमें कोई भी इंडियन नहीं था, इसीलिए इसका ज़्यादा विरोध था। तो इसका स्वागत किया गया काले झंडों से, गो बैक साइमन के नारे लगाए गए और स्थिति से निपटने के लिए लॉर्ड इरविन ने, जो कि वायसराय थे उस वक्त, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की पेशकश की जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और बात करने की बात होनी थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। और इस बीच जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नई पीढ़ी के नेता कांग्रेस पर हावी हो रहे थे, ये रेडिकल्स थे, आक्रामक थे, इनके उग्र तेवर थे। तो लाहौर सेशन हुआ और इन्हीं रेडिकल्स की वजह से हिस्ट्रिक सेशन माना जाता है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इसकी प्रेसिडेंट थे इस सेशन में। और इसमें हिस्टोरिक क्या था कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, प्रपोजल पास किया गया था और दिसंबर 1929 में ट्राइकलर फ्लैग होस्ट किया गया और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाने की घोषणा की गई। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था कांग्रेस का और गांधी जी ने भी इस कांग्रेस में पारित प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए 60 मार्च का आयोजन किया। इसके पहले उन्होंने 11 डिमांड्स के साथ एक पत्र लिखा था लॉर्ड इरविन को, जिसमें एक डिमांड साल्ट टैक्स को खत्म करने की भी थी, लेकिन वो मांगे नहीं मानी गई। और जो अल्टीमेटम रखा गया था कि मांगे नहीं मानी जाएंगी तो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा, तो 12 मार्च को उसकी शुरुआत हुई और इसे डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि साबरमती आश्रम से डांडी तक था ये मार्च। 78 फॉलोअर्स के साथ इसकी शुरुआत हुई, 24 दिन तक चला, 10 मील प्रतिदिन लोग चलते थे और रास्ते में गांधी जी से जो भी लोग मिलते थे और जो भी इनके विजिटर्स थे उन्हें वो समझाते थे आंदोलन क्या है, क्या रूपरेखा है और ब्रिटिशर्स को डिफाई करने की बात करते थे, वो भी पीसफुल तरीके से। और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जी डांडी पहुंचे, जो कि गुजरात कोस्टल क्षेत्र है। 6:30 बजे लगभग उन्होंने अपने हाथ में मुट्ठी भर नमक उठाकर इस कानून को तोड़ दिया और इसी के साथ शुरू हो गया सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, मीन्स विनय के साथ अवज्ञा करना, अवहेलना करना, कानून को तोड़ना। इसमें रिएक्शन क्या था लोगों का, किस प्रकार से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो हजारों की तादाद में लोगों ने नमक बना बना कर इसे तोड़ा, फॉरेन क्लोथ्स की होली जलाई जाती थी, बहिष्कार किया जाता था, लीकर शॉप्स की पिकेटिंग की जाती थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान भी ये जो विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती थी और जो पिकेटिंग होती थी, ये काफ़ी सफल प्रोग्राम था। पीजेंट्स ने भी रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया कि अंग्रेजों से सहयोग नहीं करेंगे हम। ट्राइबल पीपल्स ने भी फॉरेस्ट लॉस को डिफाई किया और दे एंटर्ड द रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज टू ग्रेज द कैटल एंड कलेक्ट वुड। और बाद में गवर्नमेंट ने फोर्स का सहारा लेकर इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, तो लोग आक्रामक हो गए और ये आंदोलन हिंसात्मक हो गया, वायलेंट क्लेशेस शुरू हो गए पुलिस फोर्सेस के साथ। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बढ़कर गवर्नमेंट ने इसमें दमन चक्र चलाया, कांग्रेस लीडर्स को एक जेल में डाल दिया गया पकड़ पकड़कर। और खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं पेशावर में, जो कि अब पाकिस्तान में है, उन्हें 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया। इसका विरोध करने के लिए बड़ी तादाद में लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया और यहाँ तक कि जो आर्मर्ड कार्स होती थी, हथियारबंद गाड़ियाँ पुलिस की, उनके सामने भी चले आते थे, फेस करते थे गोलियों को एंड मैनी वर किल्ड। 5 मई 1930 को गांधी जी और टॉप लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। और शोलापुर में जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने इसका विरोध जताने के लिए पुलिस पोस्ट्स, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन पे हमला कर दिया, मींस वायलेंट क्लेशेस शुरू हो गई। और जब भी वायलेंस होता था गवर्नमेंट को मौका मिल जाता था। और इस बार तो जो शांतिपूर्वक जुलूस निकालने वाले 17 थे, उनके साथ साथ वीमेन और बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा गया एंड दे वर बीटन, और लगभग 1,00,000 से ऊपर लोग गिरफ्तार किए गए। ये मूवमेंट भी वापस ले लिया गांधी जी ने, उसकी वजह ये थी कि बड़े बड़े लीडर जेल में डाल दिए गए थे, मूवमेंट वायलेंट हो गया था और जो गवर्नमेंट थी इट हैड रिजोर्टेड टू सीवियर रिप्रेशन, हदें पार करते हुए लोगों को गिरफ्तार करना, टॉर्चर करना, गोलियां चला देना, लाठी चार्ज करना, पुलिस की जद्दतियां बढ़ती चली जा रही थी, लोग हिम्मत हार रहे थे। ऐसी स्थिति में गांधी जी को मजबूरन अल्टीमेटली
ये आंदोलन वापस लेना पड़ा और उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को। ये पैक्ट क्या था? इस पैक्ट में कंप्रोमाइज था। कुछ गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से, कुछ सरकार ने गांधी जी को आश्वासन दिए कि गवर्नमेंट जितने भी रिप्रेसिव ऑर्डिनेंसेस थे उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हो गई, और जो कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी में जब्त संपत्तियां थी उन्हें वापस करने के लिए तैयार हो गई। जितने भी बंदी थे अगर वो किसी भी वायलेंस में लिप्त नहीं पाए गए तो उन्हें छोड़ने की बात हुई। और सबसे बड़ा जो कॉम्प्रोमाइज़ था वो ये था कि गवर्नमेंट ये मान गई कि द इंडियन पीपल कैन मैन्युफैक्चर साल्ट, और पीसफुल पिकेटिंग भी हो सकती है, फॉरेन गुड्स शॉप्स का बहिष्कार हो सकता है। अब कांग्रेस ने बदले में सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट को वापस लेने की बात मान ली और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी तैयार हो गए। कुल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी 1930 से 1932 के बीच में, जिसमें से पहले में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, दूसरे में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया और तीसरे में भी नहीं किया था। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं मिला। और गांधी जी जब वापस लौटे तो उन्होंने रीलॉन्च किया सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट को। एक तो एम्प्टी हैंडेड लौटे थे, और यहाँ आके उन्होंने देखा जब इंग्लैंड से लौटे कि न्यू साइकिल ऑफ टेरर स्टार्ट हो गया है, सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया, नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे नेता जेल में थे, कांग्रेस को आउटलॉ यानी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, मीटिंग्स पे, डिमोन्स्ट्रेशंस पे, बॉयकॉट पे, सब पे प्रतिबंध लगा हुआ था। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया कि कहीं आंदोलन न भड़क उठे, और मजबूरन गांधी जी ने घबराकर इस आंदोलन को फिर लॉन्च कर दिया 1932 में। 1934 तक ये आंदोलन धीरे धीरे करके चलता रहा, लेकिन इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, ये अंततः धीमा पड़ता चला गया। इस मूवमेंट में डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स कौन थे? तो सबसे पहले जो रिच पीजेंट्स थे, तो जो पाटीदार्स थे गुजरात के, और जो जाट किसान थे उत्तर प्रदेश के उस समय, देवर एक्टिव रिच पीजेंट्स। तो इनकी प्रॉब्लम क्या थी कि जो कमर्शियल क्रॉप्स थी जो किसान उसे उगाते थे, तो ट्रेड डिप्रेशन का इस पर बहुत बुरा असर पड़ा था, प्राइसेस गिर रही थी, उनके प्रोड्यूस को दाम नहीं मिल रहा था ठीक ठाक, इसकी वजह से इनकी इनकम काफी कम हो गई, एंड देवर अनेबल टू पे द रेवेन्यू, और गवर्नमेंट ने भी उनकी मांग को मानने से मना कर दिया, इट रिफ्यूज टू रिड्यूस द रेवेन्यूज। इन किसानों ने अपनी कम्युनिटीज की मेंबरशिप को बढ़ाया, अपने को ऑर्गेनाइज किया और बायकॉट प्रोग्राम चलाए अपने ढंग से। गरीब किसानों की क्या वजह थी? गरीब किसानों ने नो रेंट कैंपेन चलाया, क्योंकि वो चाहते थे, उनकी मांग ये थी कि उन्हें रिमिटेंस मिले रेंट से। इकोनॉमिक डिप्रेशन का इन पे भी असर पड़ा था, फॉलिंग प्राइसेस की वजह से इनकी भी इनकम काफी कम हो गई थी, तो यहाँ पे रेवेन्यू देने में अक्षम थे और यहाँ पे ये रेंट देने में प्रॉब्लम आ रही थी किसानों को। तो ये चाहते थे कि जो अनपेड रेंट है उसे माफ कर दिया जाए, उसे रिमिट कर दिया जाए। और जो मजदूर वर्ग था, जो किसान वर्ग था, वो सोशलिस्ट विचारधारा के प्रति काफी आकर्षित हो रहा था, जो कि काफी रेडिकल थी ये विचारधारा। सो दे ज्वाइंट वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट्स। उन्हें लगता था कि उनकी समस्याओं का हल इन संगठनों के माध्यम से हो सकता है। वर्किंग क्लास ने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन बहुत कम। और उनकी क्या प्रॉब्लम थी? उनकी वजह ये थी कि उनका गुस्सा था लो वेजेस के खिलाफ और जो पुअर वर्किंग कंडीशंस थी इनके खिलाफ। तो उन्होंने गांधीयन तरीकों का प्रयोग किया। 1930 में हजारों की तादाद में छोटा नागपुर की खानों में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, उन्होंने गांधीयन कैप पहन के प्रोटेस्ट रैलीज आयोजित की, बायकॉट प्रोग्राम्स चलाए, और 1930 में रेलवे वर्कर्स ने, और 1932 में डॉक वर्कर्स में जहाज़ों पर काम करने वाले लोगों ने अपनी हड़तालें की। बिजनेस क्लास ने भी योगदान दिया था। इनकी वजह ये थी कि जो रिस्ट्रिक्टिव ब्रिटिश पॉलिसीज थी वो बिजनेस में बाधक थी, मीन्स इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में नहीं थी, तो उसका भी विरोध करते थे। इन्होंने 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस की स्थापना की, फिक्की की स्थापना की, जो कि फिक्की आज भी काम कर रही है संस्था, 1927 में। और उस समय के जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे जैसे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास या जी डी बिड़ला, इन सब ने इस मूवमेंट को शुरू में ही सपोर्ट किया, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी इस मूवमेंट को, धन उपलब्ध कराया और इम्पोर्टेड गुड्स में डील करने से मना किया। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब फेल हो गई, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो इनका उत्साह जो था दे लॉस्ट इंथुसियाज्म, खत्म होने लगा। और ये भी देख रहे थे कि किस प्रकार से मिलिटेंट एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं और सोशलिज्म का प्रभाव लोगों के बीच में बढ़ता चला जा रहा है, खासकर यंग कांग्रेसमैन के बीच में। जवाहरलाल नेहरू स्वयं सोशलिज्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, इट मेड देम अप्रिहेंसिव, तो वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते थे। तो इसलिए जब रिलॉन्च हुआ मूवमेंट, तो उसमें पार्टिसिपेट ना के बराबर किया बिजनेस क्लास ने। महिलाओं का क्या योगदान था? महिलाओं का पार्टिसिपेशन एक इम्पॉर्टेंट फीचर था इस सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट का। गांधी जी के आह्वान पे कि ये ड्यूटी है टू सर्व द नेशन, महिलाओं की ड्यूटी है, तो इसका उन्होंने भरपूर जवाब दिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया
और जो महिलाएं थी वो अर्बन एरियाज में हाई कास्ट फैमिली से आती थी और जो रूरल एरियाज थे वहां पे रिच पीजेंट फैमिली से आती थी। ये मार्चेस में भाग लेती थी, झंडा ऊपर लेके चला करती थी, साल्ट बना के इन्होंने कानून तोड़े, पिकेटिंग अच्छी करती थी लीकर शॉप्स की और फॉरेन क्लोथ्स की होली जलाने में भी आगे थी और कई महिलाएं जेल में भी गईं। लेकिन इस आंदोलन की सीमाएं भी थी, जैसे दलितों का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम था, दलितों को लगता था कि कांग्रेस उनसे दूरी बनाकर चलती है। हालांकि गांधी जी ने उनके लिए काफ़ी काम किया, उन्हें हरिजन कह के बुलाते थे, उन्होंने तरह तरह के सत्याग्रह चलाए जिसमें दलितों की एंट्री टेंपल में हो, उन्हें पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स और स्कूलों में प्रवेश मिले। इसके लिए गांधी जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी जो दलित थे वो अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहते थे कि उनकी राजनीतिक समस्याओं का समाधान हो, जिससे कि उनकी जो सोशल डिसेबिलिटीज़ हैं वो स्वतः खत्म हो जाएंगी। और इसलिए दलितों ने अपने को संगठित करना शुरू किया, जिससे कि बेटर बार्गेनिंग हो सके, वो मिलकर अपना हिस्सा, अपना शेयर, अपना हक मांग सके। और उनकी मांग थी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और इसलिए दलित पार्टिसिपेशन वहाँ पे कम था इस आंदोलन में, जहाँ पर वो बेटर ऑर्गेनाइज थे, जैसे कि महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में इनका पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा कम था। मीन्स दे टू कलेक्टिव डिसीजन नॉट टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। और डॉक्टर अंबेडकर, जिनका बहुत सम्मान करते हैं दलित समुदाय के लोग, इन्होंने काफ़ी काम किया दलितों के लिए। इन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की 1930 में। दलितों को उस वक्त डिप्रेस्ड क्लासेस के रूप में संबोधित किया जाता था और उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग भी की थी दलितों के लिए। इस मांग के विरोध में जब गांधी जी ने अनशन चलाया तो उन्हें गांधी जी की बात को बाध्य होकर मानकर पूना पैक्ट पे साइन करना पड़ा। तो ये पूना पैक्ट क्या था? अगस्त 1932 में उस समय जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने कमनल अवार्ड की घोषणा की थी, मींस सेपरेट इलेक्ट्रेट माइनॉरिटीज के लिए स्थापित करने की बात की थी। सेपरेट इलेक्ट्रेट क्या होता है ये हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं इंडिविजुअल पार्ट्स में, उनको जाकर आप वॉच कर सकते हैं। लेकिन अम्बेडकर इसके पक्ष में थे कि सेपरेट इलेक्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन गांधी जी इसके विरोध में थे। उन्हें लगता था कि हानिकारक है दलितों के लिए भी, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इनके इंक्लूजन के लिए भी खतरा है और फ्रीडम स्ट्रगल में भी इस प्रकार से डिवीजन क्रिएट हो जाएगा। मींस स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ दलित इंटीग्रेशन इनटू मेन स्ट्रीम सोसाइटी। जब बात नहीं बनी तो उन्होंने अनशन शुरू कर दिया, वो भी फास्ट अनटू डेथ, आमरण अनशन। और इसका फिर जनता पर काफी असर पड़ा, दबाव पड़ा अम्बेडकर पर, और अम्बेडकर ने बाध्य होकर पूना पैक्ट पर 1932 में साइन कर दिया। गांधी जी इस वक्त जेल में थे जब उन्होंने इस अनशन को शुरू किया था। इस पूना पैक्ट के प्रावधान क्या थे? इस पूना पैक्ट में प्रावधान ये थे कि सीट का रिजर्वेशन होगा डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन जो सीटें रिजर्व की जाएंगी वो दलितों के पॉपुलेशन के आधार पे होंगी कि जहाँ दलित पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर उनके लिए सीटें रिजर्व की जाएंगी। और जो सबसे बड़ी बात थी कि अ जनरल इलेक्ट्रेट वुड वोट फॉर द दलित कैंडिडेट, मींस कोई सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं होगा, सब लोग मिलकर वोट करेंगे। मुस्लिम्स का काफ़ी कम पार्टिसिपेशन था इस मूवमेंट में। जो मुस्लिम्स थे वो कांग्रेस की जो एक्टिविटीज़ थी उन्हें बड़ी संदेह की नज़र से देखते थे, और ख़ासकर जब खिलाफत इशू खत्म हो गया। खिलाफत इशू खत्म हो गया था जब 1922 में कमाल पाशा ने, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने टेक ओवर करते हुए खलीफा का पद समाप्त कर दिया था। तो उसके बाद मुस्लिम्स का इंटरेस्ट और कम हो गया एंड दे शोड लिटिल इंटरेस्ट इन द सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट। जो बात नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय थी वो अब नहीं थी। तो कांग्रेस की गतिविधियों से मुस्लिम्स अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगे, फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। और 1920 से कांग्रेस का कुछ झुकाव हिंदू महासभा की तरफ भी नजर आने लगा था, ऐसा मुस्लिमों का मानना था। और जो धार्मिक जुलूस निकला करते थे, मीन्स रिलीजियस प्रोसेशंस, उनमें मिलिटेंट फर्वर होता था और कभी कभी कम्युनल क्लैशेस भी हो जाते थे। और 1927 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने आने की कोशिश की नज़दीक कि निगोशिएट किया जाए किस प्रकार से असेंबलीज में चुनाव लड़ा जाए, फ्यूचर रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार का होना चाहिए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना तो राजी थे अपनी डिमांड को सेपरेट इलेक्ट्रेट की छोड़ने के लिए, क्योंकि मुस्लिमों के लिए भी सेपरेट इलेक्ट्रेट की बात की गई थी कि इस तरह से हम लोग आपस में म्यूचुअल सेटलमेंट कर सके कांग्रेस से आगे बढ़ने के लिए एक साथ। लेकिन 1928 में इस पे धक्का लगा जब M.R. जयकर, जो कि हिंदू महासभा के थे, उन्होंने इस प्रकार से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो बातचीत चल रही थी उसका, उस समझौते का विरोध किया। और जो मुख्य कंसर्न था मुस्लिम्स का वो ये था कि जो विद्वान थे मुस्लिम वर्ग के, वो ये मानते थे कि अगर इंडिया फ्री हो जाता है तो उसमें मुस्लिम्स का स्टेटस क्या होगा, क्योंकि मुस्लिम्स तो माइनॉरिटी में रहेंगे इंडिया में। तो उन्हें ऐसा लगा कि मुस्लिम कल्चर, आइडेंटिटी, उनकी संस्कृति दबके रह जाएगी। मीन्स दे फियर्ड
the domination by Hindus over Muslim culture and identity. Sense of collective belonging means एक साझा अपनेपन की भावना. सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग तब आती है जब कुछ कॉमन एलिमेंट्स हों जो लोगों को एक करते हों. तो भारत में धीरे धीरे जब स्ट्रगल बढ़ रहा था तो लोग आपस में एक हो रहे थे और डिफरेंट कल्चरल प्रोसेसेस ने भी इसमें योगदान दिया. और जो लेखकों ने कलम चलाई, हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, इनका भी अपना योगदान था और प्रिंट्स एंड सिम्बल्स का भी, तीन को स्टडी करते हैं हम. आइडेंटिटी ऑफ द नेशन सिम्बलाइज इन ए फिगर और इमेज मीन्स एलेगरी का प्रयोग, जो कि हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में स्टडी किया था. तो भारत में इसी प्रकार से भारत माता की छवि थी जिसे लोग भारतीय राष्ट्र का पर्याय मानते थे. इट केम टू बी विजुलाइज्ड एज आइडेंटिटी ऑफ इंडिया. तो ये जो भारत माता की इमेज थी इसे बंकिम चंद चट्टोपाध्याय ने क्रिएट किया था. और वंदे मातरम गीत स्वदेशी मूवमेंट बंगाल विभाजन के समय जब शुरू हुआ था तो उसमें इसका काफी प्रयोग हुआ था देशभक्ति की भावना और राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए. और बाद में ये आनंद मठ नॉवल में शामिल कर लिया गया था जिसे बंकिम चंद्र जी ने ही लिखा था. अब अवनींद्रनाथ टैगोर जो कि ग्रेट आर्टिस्ट थे इंडिया के, उन्होंने भारत माता की इमेज पेंटिंग की जिसमें उन्हें काम, एसेटिक, कंपोज्ड और एक स्पिरिचुअल इमेज के रूप में पेश किया. बाद में भारत माता को डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंटली पेंट किया गया डिफरेंट आर्टिस्ट के द्वारा. और इस भारत माता की छवि के प्रति लोगों की श्रद्धा इस बात का पर्याय थी कि वो राष्ट्रवादी हैं. मींस डिवोशन टू दिस मदर फिगर भारत माता बिकेम एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म. और आज भी लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम का प्रयोग करते हैं जब भी कोई राष्ट्रवादी बातें उभर कर आती हैं. फोकलोर का क्या योगदान था? फोकलोर्स के बारे में हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म में डिटेल में बात कर चुके हैं कि व्हाट डज इट मीन. तो फोकलोर माना जाता है कि ये नेटिव होती हैं किसी प्लेस की और दे गिव ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर. और जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने डिफरेंट टूर किए विलेजेस के और जो फोक सॉन्ग्स थे जो बार्ड्स के द्वारा गाए जाते थे उन्हें इकट्ठा किया, रिकॉर्ड किया, फोक सॉन्ग्स को गैदर किया, लीजेंड्स को गैदर किया. और बंगाल में रविनाथ टैगोर ने इस रिवाइवल ऑफ फोकलोर मूवमेंट को लीड किया और खुद ही उन्हें बैलार्ड्स, नर्सरी राइम्स, मिथ्स इन सब का कलेक्शन किया. मैड्रास में नटेशा शास्त्री की भूमिका थी, उन्होंने एक बड़ा संकलन 4 वॉल्यूम का पब्लिश कराया जिसका नाम था द फोकलोर्स ऑफ साउथ इंडिया. तो इस प्रकार से फोकलोर्स ने भी लोगों को अपनी संस्कृति को पहचानने में मदद की कि हमारी कल्चर क्या है और किस प्रकार से इसे डैमेज किया जा रहा है, करप्ट किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा. आइकन्स एंड सिम्बल्स में फ्लैग्स को स्टडी किया हमने कि इट वॉज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. कहीं पे भी हो फ्लैग की भूमिका वही होती है. तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ट्रैकलर फ्लैग यूज किया गया था और जिसमें 8 लोटसेस थे जो 8 ब्रिटिश प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे. और इसमें सूरज भी था और क्रिसेंट मून भी था जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते थे. गांधी जी ने भी स्वराज फ्लैग 1921 तक आते आते डिजाइन कर लिया था जो कि ट्रैकलर फ्लैग था, रेड ग्रीन व्हाइट कलर का प्रयोग हुआ था. और उसमें बीच में एक चरखा था, स्पिनिंग व्हील. ये जो चरखा था वो जो गांधीयन आदर्श ऑफ सेल्फ हेल्प, स्वावलंबन की भावना का प्रतीक था. और ये सेल्फ हेल्प सबको चाहिए होती है. तो इट वाज अ सिंबल ऑफ यूनाइटिंग पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज आल्सो. और तिरंगे झंडे को हाथ में ऊंचा लेकर फहराते हुए आगे बढ़ना लोगों को राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित करता था, जोश पैदा करता था. और इस झंडे को लेकर बड़ी आसानी से लोग डिफाई कर जाते थे. सो इट बिकेम अ सिंबल ऑफ डिफायंस आल्सो. री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. अंग्रेज लोग जो थे वो ये मानते थे कि इंडियंस बैकवर्ड्स हैं, प्रिमिटिव हैं और ये अपने शासन को स्वयं नहीं चला सकते. ऐसी स्थिति में जो इंडियन राइटर्स थे उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड किया ढंग से. उन्होंने लिखना शुरू किया किसके बारे में? अबाउट द पास्ट ऑफ इंडिया, कि भारत का जो पास्ट था, अतीत था, वो उसमें कितनी उपलब्धियां हासिल थी भारत को. सो दे रोट अबाउट द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया. और ऐसा पास्ट जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलोसफी, क्राफ्ट, ट्रेड, हर क्षेत्र में भारत उन्नति कर रहा था, दुनिया भर में जाना जाता था. अ फ्लॉरिशिंग पीरियड था ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया. लेकिन जब इसे गुलाम बना लिया गया तो ये धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, पतन शुरू हो गया. और जब लोग पढ़ते थे ऐसी हिस्ट्री को, पास्ट ऑफ इंडिया के बारे में जानते थे, तो उनके अंदर एक अर्ज, एक प्रेरणा पैदा होती थी रीडर्स के मन में कि हमें गर्व करना चाहिए अपने ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ पास्ट में और स्ट्रगल करना चाहिए इंडिया को ब्रिटिशर्स के द्वारा जो मिजरेबल कंडीशन बना दी गई है उससे बाहर निकालने के लिए, टू फ्री इंडिया फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द ब्रिटिश. सो दिस वॉज द समरी पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल सीरीज. डिटेल में पढ़ने के लिए यू कैन वॉच द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ दिस ट्यूटोरियल सीरीज. वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट्स का लिंक दिया गया है. एंड गिव योर फीडबैक आल्सो. आपके फीडबैक से इस चैनल को, इस चैनल के वीडियो के कंटेंट को सुधारने में मदद मिलती है. सो प्लीज स्पेयर सम टाइम टू गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.